देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर इंजेक्शन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ये बात सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार ये बात छुपाने की कोशिश कर रही है कि वहां के अस्पतालों की स्थितियां खराब है। सरकार ये दावा कर रही है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में स्थितियां ठीक है, दवाइयां मरीजों को मिल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इस पर अब योगी सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल वो कैसे, अब आप ये समझिए। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में एक बड़े स्तर पर देखने को मिला कि वहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। वहां पर जो बहुत सारे मरीज थे जो वेंटिलेटर पर थे और जिन्हें ऑक्सीजन की कमी थी, जब इस बारे में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को पता चला तो प्रियंका गांधी ने फौरन फोन किया और फोन कर बड़े स्तर पर ऑक्सीजन टैंकर जो है वो लखनऊ पहुंचाया गया और बड़ी जो खेप है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंची जो ऑक्सीजन टैंकर की है, वहां पर लोगों की जो जान है वो बच सकी। यानी कि मरीजों की जान बचाने में प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। आपको बता दें जो ऑक्सीजन टैंकर आए थे वो छत्तीसगढ़ से आए थे। तो यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि योगी सरकार की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात है कि बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक होती तो अस्पतालों के बाहर जो भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, और आपको एक अपडेट और यहाँ पर लेता हूँ एक खबर। दरअसल नोएडा के एक अस्पताल में देखने को मिला कि वहां पे जो कोरोना मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती थे उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। जब इस इंजेक्शन की जरूरत शॉर्टेज देखने को मिली तो उन मरीजों के जो परिजन है वो सीधे CMO ऑफिस पहुंचे। CMO ऑफिस पहुंचने के बाद वहां पर जब CMO से बात कर रहे थे तो उस दौरान CMO भड़क गए और वो ये कहने लगे कि जब हमारे पास आएगा तब मुहैया करवा दिया जाएगा। तो ये देखने को मिल रहा है कि अगर स्थितियां ठीक होती तो ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी शॉर्टेज होती ना ऑक्सीजन की, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है और जनता सरकार से ये सवाल पूछ भी रही है कि आखिरकार कब तक सरकार अपनी नाकामियों को छुपाएगी। हालांकि अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते दिनों ट्वीट किया था, ट्वीट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सच्चाई बताई। इसके साथ प्रियंका गांधी की मैं बात करूं तो प्रियंका गांधी ने भी बकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए ये बात कह रही है कि जिस तरह से जो टेस्टिंग है वो ग्रामीण स्तर पर नहीं हो पा रही है और शहरी जो क्षेत्र है वहां पर बड़ी कमी देखने को मिल रही है, तो प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे साफ तौर पर यह कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है और आंकड़ों को छुपाने का समय नहीं है। अगर काम करना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो वहां के लोगों के लिए करे ताकि वहां के लोगों की जिंदगियां बच सके, वहां के जो लोग हैं उन्हें पूरी तरह से सारी सुविधाएं मुहैया हो सके। ऐसे में अगर देखने को मिल रहा है तो जिस तरह से देश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जिस तरह से इस कमी को सरकार फिलहाल अभी पूरी करती नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियां अपना हाथ आगे बढ़ा रही है। जैसे मैं बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़े स्तर पर टैंकर की व्यवस्था की और ऑक्सीजन जो टैंकर है वो लखनऊ पहुंचाया गया। तो ये देखने को मिल रहा है कि अब विपक्षी पार्टियां यहां पर साथ आ रही है, वो राजनीति नहीं कर रही। तो ये देखना होगा सत्ता पक्ष को कि राजनीति करने के बजाय वो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं जो सलाह वो दे रहे हैं वो सलाह उन्हें सही लगती है तो उसे माने, और इसके साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर भी काम करें ताकि लोगों की जिंदगियां जो है वो बड़े स्तर पर बचाई जा सके। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार को नसीहत भी दी है और इसके साथ जो ऑक्सीजन पहुंचाया गया प्रियंका गांधी की तरफ से वो भी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी अभी भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, अगर बात करें तो देश में जिस तरह से बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बहुत बड़ी शॉर्टेज देखी जा रही है, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है और सारा दोष सिस्टम पर मढ़ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर
पर बड़ी संख्या में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली और लोग अस्पतालों के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, उससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी फेल होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी तांडव मचा हुआ है और लोग अपनों का इलाज करवाने के लिए अस्पतालों के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि जब प्रियंका गांधी को ये पता चला कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर की ज़रूरत है, तो उन्होंने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाया। लखनऊ और प्रदेश में ऑक्सीजन के मिलने में हो रही मुश्किल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन टैंकर भेजा था, जो कि लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंच गया। यह टैंकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भेजा गया था, जो कि यहां पहुंचा। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कई जिलों के अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने की खबरें आ रही थी। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया कि प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन और दवा की किल्लत नहीं है। इसके पहले बीते दिनों प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से प्रभावित जनता को तत्काल राहत दिलाने का अनुरोध भी किया था। उन्होंने लिखा था, कोरोना महामारी की दूसरी लहर शहरों की सीमाओं को लांघ कर अब गांव में अपना पैर पसार रही है। चिंता की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना जांच अपर्याप्त है। प्रियंका ने पत्र में कहा था, ग्रामीण इलाकों में तो जांच तक नहीं हो रही है, वहीं शहरी इलाकों के लोगों को जांच कराने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ बेड की कमी भी देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकारें लगातार जनता से झूठ बोल रही हैं और जनता को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की किल्लत बड़े पैमाने पर है और इसकी कालाबाजारी भी बहुत बड़ी चिंताजनक है। आयुष्मान योजना का कोई अस्पताल नहीं मान रहा है। लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की 3-4 गुनी कीमतें चुकाने को मजबूर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकारें जो झूठ छुपाने की कोशिश कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन व दवाइयों की पूरी तरह से सभी चीज़ें मौजूद हैं, ये बताता है कि सरकार विफल हो गई है और वो जनता को सच नहीं बताना चाहती, लेकिन जनता के सामने अब सच सामने आ रहा है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े स्तर पर अब देश के लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी हो वहाँ पर ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर भिजवाए जाएं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने बीते कुछ दिनों पहले सांसद फंड का भी ऐलान किया था और सांसद फंड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिया था। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है, ऐसे में विपक्षी पार्टियाँ अब देश के लोगों के लिए एक इस मुश्किल घड़ी में साथ आती नज़र आ रही हैं और उनकी मदद कर रही हैं। बड़े स्तर पर ऑक्सीजन पहुंचाया गया और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, बीते दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से फंड भी जारी किया गया था कोरोना मरीजों के लिए। तो यहां पर ये देखने को मिला है कि देश के इस मुश्किल घड़ी में ये विपक्षी पार्टियां जिस तरह से देश के साथ आकर खड़ी हैं, जिस तरह से देश की जनता के साथ आते हुए ये नजर आ रही है, इससे साफ पता चलता है कि ये विपक्षी पार्टियां भी अब समझ रही है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरोप प्रत्यारोप लगाने पर तुले हुए। गौतम गंभीर इसका ताजा उदाहरण। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब ऑक्सीजन की बात, जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी, उस पर केंद्र सरकार से जब गुहार लगाई तो गौतम गंभीर शायद इतने अनजान हैं, गौतम गंभीर शायद सांसद होते हुए भी उन्हें इतनी समझ नहीं है कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय ये काम करना चाहिए कि दिल्ली में जो स्थितियां खराब हैं उसको सही ढंग से किया जाए। गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और सवाल खड़ा करने लग गए कि ऑक्सीजन की जो प्लांट बनाने थे वो सरकार ने क्यों नहीं बनाए। तो ये समय ऑक्सीजन प्लांट बनाने पर के मुद्दे पर विचार करने का नहीं है, ये है इन नेताओं को समझने का कि ये नेता राजनीति ना करें और जो काम कर रही है सरकारें उनको काम करने दें। तो इस तरह से देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें राजनीति करने से बचना चाहिए और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर पूरी तरह से इस वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है। राहुल गांधी ने भी ये साफ तौर पर कहा
कि जो सत्ता पक्ष भेदभाव कर रही है और जिस तरह से सरकार का अलग रवैया देखने को मिल रहा है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भेदभाव हो रहा है वो उन विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं हो रहा बल्कि जनता के साथ हो रहा है। वो जनता जिसने चुनाव में वोट देकर सरकार बनाई है उस जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस जनता ने सरकार पर पूरा भरोसा किया। तो ऐसे में सरकारों को ये समझना होगा और कि वो भेदभाव ना करते हुए लोगों की जिंदगियों पर इस वक्त ध्यान दे और लोगों की जिंदगियों को बचाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी भी है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।